अब दूसरी बुनियाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है मैंने अपने लास्ट लेसन में भी बार बार इन्फोसाइज किया और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग जो है वो सेवेंटी परसेंट नाकाम हो रही है बल्कि एटी परसेंट भी कह सकते हैं उसमें बहुत सारी डीजी स्किल्स हैं बाकी और चीज़ें भी हैं वो लोग जो हैं वो डिग्रीज के बगैर पढ़े बगैर इल्म हासिल किए बगैर वो कुछ ऐसे लोगों के हथे चढ़ जाते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं जब वो यूट्यूबर्स होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का कुछ पता नहीं होता जब उसने एपिस्टेमोलॉजी नहीं पढ़नी उसने ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़नी उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़नी उसने सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी उसने इल्म हासिल करने की तरफ सोचना नहीं नेट प्रेजेंट वैल्यू का उसको पता नहीं बिजनेस के सेटअप को स्टार्टअप का पता नहीं है फिर हायरार्की का डेवलपमेंट का पता नहीं है और फिर आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनोग्राम नहीं पता तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे मूविंग ऑन इसके लिए सबसे जरूरी होता है आपकी इंडस्ट्री ओवर ऑर्गेनाइजेशन व्यू आई ओ आई ओवर ओ इधर इंडस्ट्री है इधर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कदम रखा बींग फ्रीलांसर रख दिया बींग आप प्रोड्यूसर रख देते हैं बींग आप मैन्युफैक्चरर रख देते हैं बींग आप सर्विस प्रोवाइडर रख देते हैं वट्स एवर यू आर बट अब आपको देखना है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है अब उस इंडस्ट्री में गैप क्या है इस पूरे गैप को एनालाइज करने के लिए इसकी एक स्टडी होती है जिसको मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैं इन अपॉर्चुनिटी है, होती है थ्रेट होती, होती है फिर एसडब्ल्यू होता है फिर आप इन सारों को रिलेट करते स्ट्रेंथ को थ्रेट के साथ स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ स्ट्रेंथ को वीकनेस के साथ आप टेक्निकली uh, कैलकुलेट करते हैं जब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कंपेटेटिव प्राइस पे पहुंच जाती है ये एज लेने लग जाती है तब आप किसी चीज को शुरू करते हैं मुझे आप ये बताइए कि जितने भी आप लोग लेते हैं डीजी स्किल्स के या बाकी चीजों के तो उनके अंदर आपको कहां रिसोर्स बेस्ड व्यू पढ़ाया जाता है आपको कहां फॉर्म स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाती है कहां एक्सटर्नल रिव्यू पढ़ाया जाता है कहां इंटरनल रिव्यू पढ़ाया जाता है सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन रिसोर्स बेस्ड व्यू हियर

दो लोग आपस में एक जैसे हैं तो कंपेटेटिव एज नहीं होगा बोलने के अंदाज एक जैसे हैं तो कम्पेटेटिव एज नहीं होगा और रैप्रिका होगा अगर अगर नॉर्मली एक एग्जाम्पल ले लें कि नईम बुखारी साहब अगर वो बोलते हैं ये शेर के अंदाज़ बोलते हैं या जिस तरह की वो गुफ्तु करते हैं उन जैसे एक नकल करने वाला एक आदमी है वो भी टी वी पर रिप्रेजेंटर है लेकिन नो बडी नोज है बट उनको जानते इसी तरीके से अनवर मकसूद साहब पाकिस्तान पीटीवी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वो एक जमाने में जो फिफ्टीज में मशहूर होते थे 60's में होते थे उनके कम्पैटिटिव एज जो थे वो अलग थे इसी तरह इंडस्ट्री में कम्पैटिटिव एज अलग है इसी तरीके से आपके टोटल रिसोर्स बेस्ड व्यू देखना है आपकी इंडस्ट्री कौन सी है एंड देन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है तो मूविंग ऑन टू दर बी वी टू के बी वी आप देखें जी रिसोर्स बेस्ड व्यू का हमको जब समझ आ जाती है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ से इंटरनल ओवर ऑर्गेनाइजेशन uh, या इंडस्ट्री ओवर ऑर्गेनाइजेशन से हमें जब क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है हम इमिटेट uh, नहीं कर सकते हमारा कॉम्पिटेंट पॉइंट अलग होगा हमारा कोर कॉम्पिटेंसी अलग होगी हमारी एडिशन डिफरेंट होगी जब हम तीन चार चीजों को हम प्रूफ कर लेंगे तो वी विल मूव ऑन टू द नॉलेज बेस्ड व्यू के बी वी दैट माइट बी द न्यू सब्जेक्ट फॉर यू पीपल लेकिन ऑन्टरप्रेन थे मैंने इसको इंक्लूड किया हम ये देखते हैं कि आर बी वी जो है वो क्लेम करता है कि देर इज अ फर्मेबिलिटी टू कैप्चर इंटीग्रेट एसिमुलेट कंबाइन क्रिएट एंड डिफ्यूज मैंने जैसे अक्सर बोलता हूं कि परसेप्शन होती है फिर कंसेप्शन होती है लेकिन तीसरी दफा जब डिसेप्शन से आगे में चला जाता हूँ डिसेप्शन को छोड़ देता हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अब डिसेप्शन को छोड़कर मैं किधर आ जाता हूँ जी उस वक्त आ जाता हूं फेथ पर अच्छा फेद तो बड़ी दूर की बात है उससे पहले बिलीफ आता है यानी परसेप्शन कंसेप्शन बिलीफ फेद लेकिन दरमियान के अंदर एक डिसेप्शन आना ज़रूरी है डिसेप्शन क्या होती है डिसेप्शन ये होती है कि बेसिकली एंटीथीसिस होता है आप किसी भी चीज़ का थीसिस देते हैं फिर आपकी एंटीथीसिस होता है तो प्रूव करता है कि वो थेरी ठीक है या गलत है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है तो मुमकिन है कुछ अर्से के बाद आपको जो है वो स्पेस साइंसिस के अंदर कुछ और चीज़ें मिल जाएँ मुमकिन है कि ये ग्रेविटी का जो साइंस है

यकीन 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 से एनुल यकीन और यानी ओरिएंटेड ओरिएंटेड होना चाहिए। अब होकर आप कहेंगे कि क्या कश के साथ निजाम चलाएगा नहीं जी ये कश से नहीं होता आपके सबकॉन्शियस में होता है। बहुत सारे और बहुत सारी चीजें फिर आप इसको रिलेट करके सब कॉन्शियस को मेटा कॉन्शियस से रिलेट करते हैं फ्यूचर है? को आप अपनी आंख से देख रहे होते हैं विजुलाइज कर रहे होते क्या यह हर आदमी के बस में है नहीं तो यह आउट ऑफ 99 परसेंट कितने में होता है एक परसेंट के पास हो सकता है कुछ दौर के अंदर 0.5 परसेंट हो मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा जो कश की बुनियाद के ऊपर एक अलग कैटेगरी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके दुनियावी दुनियावीम के अंदर भी नई जहतें पैदा करते हैं नए मकाम पैदा करते हैं नई मंजिलें का तयन पैदा करते हैं नए सिस्टम को लेके आते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पर आते हैं तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी तो कोई नई बात नहीं मैंने की अब टेट बुनियाद कैसे बनता है तो कॉपोरेट नॉलेज देन इज द बिजनेस इंटेलिजेंस फिर इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की तरफ आता है फिर इसके बाद ऑपरेशनल डाटा की तरफ आता है और फिर इसका ट्रांजेक्शनल डाटा और टेसेट डाटा ये हाईली डिटेल्ड होता है जब ये दोनों मिल जाते हैं आखिर पे कि ट्रांसफॉर्मेशनल नॉट ट्रांजिशनल एक्सप्लिसिट नॉर्मली ट्रांजिशनल होता है और जो टेसेट होता है वो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है ये हार्ट टू तो हार्ट अलूम तब्दील करता है ये एक दूसरे के साथ मख् को शेयर करता है ये उनूम की तरफ जाता है उस इल्म की तरफ जाता है उस नॉलेज की तरफ जाता है जो आपकी एज पर द्रीवियस डाटा नहीं होता बल्कि आपका फोरकास्ट नॉलेज होता है यानी आने वाले डाटा का होता है इंटूटिव होता है प्रडिक्टबल होता है और इस प्रडिक्टबल के ऊपर यह जो है या तफक् करू न समावती वाल यानी कायनात के अंदर गौर करो और उस गौर के अंदर जो है वो फिक्र के साथ सोचो कुरान मजीद ने कहा के अंदर जो है वो आ, लोगों का जिक्र किया और कहा कि तीन सौ साल तक वो सोते रहे एक कुत्ता भी था ग़ार का जो है वो दहाना बंद हो गया वो भी था फिर हमने वहाँ एक उन लोगों ने मस्जिद बनाई यहाँ पर निशानियाँ बनाई फिर हजरत मरीम का जिक्र किया कि ग़ार में कैसे हम उसको इलम भी देते थे और खाना भी देते थे और फिर उसको बगैर बाप के हमने एक बच्चा दिया तो फिर हमने और के अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाई फिर हजरत याहिया का जिक्र किया कि हज़रतियालम आपस में ही अपने दिली दिल में बात किया करते थे निदा किया करते थे और कहते थे कि मैं बांझ मेरी बीवी बांझ मेरी हड्डियों में गुदा नहीं तो ये कैसे होगा तो खुदा ने कहा मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं हम तुझकोलाद भी देंगे और जा अगर तुझे निशानियाँ देखनी है तो हजरत मरीम के पास जा सो यूं इस तरह के बेशुमार निशानियाँ बे आपने देखा तो ये कुरान भी भरा पड़ा है बिब्लिकल वर्जनस भरे पड़े तो ये विजडम और ओरिएंटेशन हमने लेनी है और दुनियावी लोगों के अंदर भी देखें तो बहुत सारे और किस्से हज़रत साले की ऊँटनी का जिक्र है और उस कॉम का भी जिक्र है जो कि कदावर हुआ करती थी पहाड़ों के ऊपर घर बनाती थी रहती मैदानों में थी सो इनोवेशन और आर्किटेक्चर का एक अजीम किस्म के सब्जेक्ट्स वहाँ पर है मैं एक ज़माने में अनकरीब एक किताब भी लिखूँगा तो उसके अंदर क्रोनोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जिक्र होगा और कुरान के अंदर से बहुत सारी एक्सट्रैक्शन मिलती है विजडम की जिससे आप इनोवेटिव मैनेजमेंट की तरफ आ सकते हैं थैंक यू वेरी मच